हेलो दोस्तों, बीआर साउंड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ स्टेज प्रो के काउंटर पे, ठीक है। तो इस काउंटर में दोस्तों मुझे एक अलग सा स्पीकर देखने को मिला और वो क्या चीज़ है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में क्या दोस्तों, लास्ट तक बने रहना। ये है मॉडल नंबर 15 H80A, ठीक है। इसका क्वालिटी जो है दोस्तों, क्वालिटी मतलब इसका आउटपुट जो है दोस्तों 650 वाट है। आरएमएस स्पीड जो है 1300 हाई है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 40 हर्ट्ज से लेके 5 किलो हर्ट्ज तक, बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है। दोस्तों ये जो है बहुत ही कम है जो ऐसा मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये मिलना। इस तरह का एम्पलीफायर, इस तरह का स्पीकर जो है दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो कि आपके पास क्या नाम बोलते हैं, लाइनर लेने का बजट नहीं है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, 40 हर्ट्ज से लेकर 5 किलो हर्ट्ज। ऐसा स्पीकर क्या है, काफ़ी मतलब बहुत ही कम मिलने का चांस है। तो इस पर लेते हो तो आप, जैसे कि मैं अपना साउंड क्वालिटी निकालता हूँ, इससे भी बेहतर क्या आप लोग साउंड ट्यून करके लाइनर को भी फेल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यह है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, देखिए मैं दोस्तों मैं आपको बता दिया है। और जो भी भाई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताने कि ये कैसा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और अभी हम आते हैं इसका वॉइस कॉलिंग चार्जर, जो 40G में आता है। एक्सपीरियंस दोस्तों ये 8 ओम्स में है। और इसका प्राइस जो दोस्तों एक पे लेने वाले आपको 17,500 में आपको ये मिल सकता है। अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है हटकी लिखा है, तो उसका पेपर को दोस्तों उठा के देखना तो बनता है। मैं आप लोगों को दिखाने कोशिश करता हूँ, ठीक है। यह जो है दोस्तों हटके हैं, देखो दोस्तों पेपर कौन काफ़ी हटके हैं, ऐसा पेपर कौन बिना अभी तक देखा नहीं, ठीक है। ये जो है ये दोस्तों नॉन प्रेस नहीं है, प्रेस क्या हुआ आपका पेपर है ये, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, जो लिखा हुआ है दोस्तों ऐसे ही देते होंगे, लिखा हुआ है 40 हर्ट्ज से लेकर 5 किलो हर्ट्ज तक लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। जैसे लिखा है वैसे ही फ्रीक्वेंसी देने वाला है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये रहेगा, इसको आप इस्तेमाल करोगे तो लाइनर लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो है दोस्तों काफ़ी हटके हैं, पेपर भी काफ़ी अलग है, ठीक है दोस्तों। और अभी मैं इसको जब देख ही चुका है तो दोस्तों बनता है। और स्पाइडर कैसा है दोस्तों, ये जो स्पाइडर जो है कौन सा है दोस्तों, देख के मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। ये अपना वो तो नहीं है, सिलिकॉन तो नहीं है, लेकिन कौन सा अभी उसको बताना मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिट एंड फिनिशिंग जो है काफ़ी बेहतर किया हुआ है, ठीक है। ये जो है काफ़ी बेहतर किया हुआ है दोस्तों, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरे लिए जो मैं ढूंढ रहा था, जो मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी और पेपर कौन जो सबसे हटकी चाहिए था, तो इसी स्टेज प्रो में मुझे मिला है, ठीक है। तो मैं उसको अब मैं आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। और अपने भाई से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाइयों के पास भी ये स्पीकर है तो कैसा रिस्पॉन्स है कमेंट कर जरूर बताना। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये जो है कीमत के हिसाब से आपको निराश करेगा, लेकिन ये जो है जैसे पेपर कौन है और जैसा फ्रीक्वेंसी है तो लगता है कि ज़रूर इसके साथ मैच खाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा इसके ऊपर मॉडल नंबर क्या था दोस्तों, ये है 15H80A, ठीक है। दोस्तों इसके बाद जो है पूरे काउंटर को क्या है मुझे कवर करने चक्कर में दिमाग से ये निकल गया कि इसको भी मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगा। और वीडियो में लास्ट तक देखना दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।